निर्वाचन आयोग ने भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष को दिए आचार संहिता के पालन करने के निर्देश। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में 8 राज्यों के 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। भारत यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंचा। और राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बस्तर ने जीते 16 पदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आचार संहिता के पालन करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि वे पार्टी के प्रमुख प्रचारकों को औपचारिक नोट जारी कर कहें कि वे कोई भी ऐसा भाषण या बयान ना दे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। दोनों पार्टी अध्यक्षों को जारी किए गए पत्र में आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे समाज में मतभेद पैदा हो और सांप्रदायिकता बढ़े। आयोग ने श्री नड्डा से कहा है कि वे अपनी पार्टी के प्रमुख प्रचारकों को समाज को बांटने वाले भाषण देने से बचने के निर्देश दें। केंद्र में सत्तारूढ़ दल के रूप में भाजपा से चुनाव अभियान को पूरी तरह से भारत के समग्र और संवेदनशील ढांचे के व्यवहारिक पहलुओं के अनुरूप बनाने के लिए भी कहा गया है। आयोग ने कांग्रेस के प्रमुख प्रचारकों को अपने प्रचार में सेना का नाम इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। आयोग ने श्री खड़गे को यह भी कहा है कि वे अपने प्रमुख प्रचारकों को ऐसे भाषण देने के लिए रोके जिनमें ये कहा जा रहा है कि भारत का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आयोग ने प्रचारकों और उम्मीदवारों को चुनाव अवधि के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 57 लोकसभा सीटों के लिए कुल 2105 नामांकन दाखिल किए गए थे। जांच के बाद जिनमें से 954 नामांकन वैध पाए गए। सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। पंजाब में 13 संसदीय सीटों के लिए सर्वाधिक 598 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए 495 नामांकन भरे गए। चुनाव के इस आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। NTPC ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान अर्जित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये सभी भारतीय कंपनियों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। उल्लेखनीय है कि NTPC ही एकमात्र ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसने पिछले 8 वर्षों में 7 बार ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया है। 21 मई 2024 को न्यू ऑर्लियंस अमेरिका में आयोजित एक समारोह में NTPC की मुख्य महाप्रबंधक सुश्री रचना सिंहभाल ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिका द्वारा स्थापित ये ATD बेस्ट अवार्ड्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। ये उन संगठनों को सम्मानित करता है जो एक रणनीतिक व्यवसाय उपाय के रूप में प्रतिभा विकास का लाभ उठाते हैं और प्रभावी कर्मचारी विकास प्रथाओं के माध्यम से उद्यमव्यापी सफलता का प्रदर्शन करते हैं। भारत यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 1-7 के सूचकांक पर 4.25 अंक प्राप्त किए हैं, जहां 1 अंक का मतलब सबसे खराब है जबकि 7 अंक का मतलब सबसे अच्छा है। इस वर्ष मूल्यांकन किए गए 119 देशों में अमेरिका शीर्ष पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी द्विवर्षीय सूचकांक देशों के यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों का विश्लेषण करता है। पर्यटन विकास को बढ़ावा देने वाले कई कारकों और नीतियों पर उनका मूल्यांकन करता है।
लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ में मास्टर ट्रेनरों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर जिला पंचायत के सभा कक्ष में मतगणना में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने बताया कि मतगणना के लिए नेशनल स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनरों द्वारा तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को तमाम बारीकियां बताई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 4 जून को सबसे पहले डाक मतपत्र एवं ईटीपीबी की गणना की जाएगी, जिसके बाद ईवीएम मशीनों से मतों की गिनती की जाएगी। सभा निर्वाचन का काउंटिंग होना है, उसके लिए आज स्टेट से हमारे नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स आए थे। उन्होंने हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के जितने ईआरओस हैं, जितने डिप्टी डीओस हैं, जितने उनकी टेक्निकल टीम है, उन सबको काउंटिंग के समस्त पहलू पे ट्रेनिंग दी गई। और कल हम अपने जो काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं और काउंटिंग सुपरवाइज़र हैं, उन सब की ट्रेनिंग कराएंगे। उसके बाद में हम सेकंड ट्रेनिंग है इस मंथ के एंड में कराएंगे, ताकि 4 जून की जो ट्रेनिंग है उसमें सभी प्रकार से हमारा सारा दल अच्छे से कर पाए। साथ ही साथ जो हमारा काउंटिंग सेंटर है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर भी सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। और वहाँ पर भी हम लोग अपना जो मीडिया सेंटर स्थापना करना है और जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स और एजेंट्स के लिए जो व्यवस्थाएँ करनी है, वो सारी व्यवस्था पूरी करने में लगे। इसी तरह रायगढ़ में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेय गोयल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि मतगणना पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम और संवेदनशील चरण है, इसलिए सभी मास्टर ट्रेनर्स बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करें और मतगणना हेतु कर्मचारियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मतगणना के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराना हमारा उद्देश्य है। वहीं बस्तर लोकसभा चुनाव की काउंटिंग में महिला कर्मचारी अहम रोल में नजर आएंगे। उन महिला कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद मतों की गिनती महिला कर्मचारियों ने की थी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों के मतदान केंद्र में महिलाओं के हवाले किए गए हैं और इससे बेहतर परिणाम भी देखने को मिले थे। निर्वाचन में हम लोगों ने पहल किया था कि जितने भी हमारे तीनों विधानसभा की जो काउंटिंग जो होनी है मतगणना की प्रक्रिया में, हम लोगों ने 100% महिला कर्मचारियों के द्वारा इस प्रोग्राम को संपन्न कराया था। उसके फलस्वरूप हमको ये मिला कि उनके द्वारा जो विश्वास दिलाया गया था, उसके आधार पर हमने लोकसभा चुनाव के दौरान जो है नगरीय क्षेत्र में और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर महिलाओं से मतदान करवाया है। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि अभी मतगणना की प्रक्रिया में हम लोग जो नए जो नौकरी पाए हैं, खास करके पिछले 5-6-7-8 साल में जितने भी नए नए लोग आए हैं, जो कभी चुनाव की ड्यूटी में कभी नहीं लगे हैं, उनका हम लोग चयन करने जा रहे हैं, ताकि उनको भी आगे आगामी दिनों में चुनाव करवाने का और चुनाव की पूरी प्रक्रिया से कहीं ना कहीं वाकिफ होना ज़रूरी है। उनको इस बार हम लोग कोशिश करेंगे और इस बार 50-50 रेशियो में 50% पुरुष और 50% महिलाएं जो है मतगणना की प्रक्रिया में शामिल हों। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और मतों की गणना 4 जून को होगी। जांजगीर के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे और तैनात सुरक्षा बल, मतगणना तथा डाक मतपत्रों की गणना की तैयारियों के संबंध में भी जानकारियां ली। मेरे द्वारा जो स्ट्रांग रूम है और जो काउंटिंग सेंटर है, उसका निरीक्षण किया गया था। उसके माध्यम से जो हमें काउंटिंग के लिए तैयारियां करानी है, जो मैश बनाना है और जो हर काउंटिंग रूम के अंदर 14-14 टेबल लगती हैं और जो 2 रूम हमारे पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के लिए हैं, उन सब की व्यवस्था चेक करी गई थी और सारी तैयारियाँ ऑन रोड है और हम इस मंथ के एंड तक हम अपना पूरा कार्य पूरा करेंगे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर टेबल, कुर्सी, कूलर, विद्युत, पार्किंग व्यवस्था, मीडिया सेंटर, बैरिकेडिंग, गणना अभिकर्ता की बैठक व्यवस्था, स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष में मशीनों की मूवमेंट तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बेमेतरा जिले में लोकसभा निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। जिले में करीबन 5,000 कर्मचारी और अधिकारी निर्वाचन कार्य में लगे थे। उनके नाम से आयोग की तरफ से 73 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। ये राशि बेमेतरा कलेक्टर द्वारा सभी अधिकारी कर्मचारी को आवंटित कर दिया गया है।
जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य का मानदेय आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने बेहतर समन्वय से जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया। लगभग 5,000 हमारे कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे थे और उनको उनकी जो दरें हैं उसके हिसाब से, निर्धारित दर के हिसाब से उनको राशि उनके खातों में अंतरण कर दी गई है। लगभग 73 लाख रुपए हमने अभी अंतरित किए हैं। सभी पीठासीन अधिकारी PO 1, 2, 3 सेक्टर अफसर एक्सपेंडिचर असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑफिसर सबके खाते में वो राशि का अंतरण हो गया है। तो क्या कहेंगे शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अधिकारी कर्मचारी? सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं कि उनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि जिले में बहुत ही शांतिपूर्ण और इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हो सका। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा जो VTR है, वोटर टर्नआउट रेशियो है, वो लगभग 2% बढ़ा। उल्लेखनीय है कि मतदान से पहले ही पोलिंग बूथ में टेंट और पानी की व्यवस्था के लिए प्रति पोलिंग बूथ 6,000 रुपए के हिसाब से 45 लाख रुपए का भुगतान किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। Anytime, anywhere, safe है, fast है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन जन के आदेश जनादेश में देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जनता का आदेश। 3 चरणों के चुनाव के बाद 220 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 4 जून को देखिए हमारे साथ सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर साल 22 मई का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का मनाने का उद्देश्य जैव विविधता के बारे में लोगों की समझ बढ़ाना और इसके संरक्षण के प्रति उन्हें जागरूक करना है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसमें पेड़ पौधों से लेकर जानवर, कवक और कई तरह के सूक्ष्म जीव भी शामिल है। इस अवसर पर आज जगदलपुर में वन विभाग और बस्तर डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी ने छात्र छात्राओं के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र वर्मा ने बताया कि पृथ्वी पर हो रहे परिवर्तन को हम सबको बचाना है। सिर्फ कुछ लोगों की सुरक्षा से जैव विविधता को बचाया नहीं जा सकता, ये हम सबका कर्तव्य है। यहाँ पर काफी बच्चों ने हिस्सा लिया, ताकि उनमें वो ऐसा लग रहा था काफी जागरूकता है उनमें। और हम लोगों ने इस अवसर पर दीपो साहब ने सभी बच्चों को वेलफेयर बस्तर वेलफेयर सोसाइटी को बधाई दी। उनके मतलब तत्वाधान में बस्तर मंडल तरफ से बहुत बढ़िया आयोजन किया गया था, और इसलिए पुनः मैं अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस के पर सभी को बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में मौजूद बस्तर डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी के नवीन बोथरा ने बताया कि बस्तर के छात्र छात्राओं में पर्यावरण और जैव विविधता को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कबीरधाम जिले के कुकदूर बाहपानी में रविवार को हुए हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात के बाद इन परिवारों के 20 बच्चों को गोद लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह उन सभी बच्चों की शिक्षा और शादी का खर्च उठाएंगी। भाजपा विधायक ने कहा कि ये हृदय विदारक घटना है, ये कोई घटना दुखद घटना है जो शोक संतप्त परिजनों से बात कर मैं व्यथित हूँ। उनके दुख में हम सभी उनके साथ खड़े हैं। मुझे भी बहुत दुख है कि जिस तरीके से घटनाएं मेरे लोगों के साथ हुई है,
मैं जैसे ही मुझे जानकारी मिली कल 2:30 बजे के बीच की बात है, मैं झारखंड चुनाव प्रचार में गुंडा सुबह मेरी चुनाव ड्यूटी लगी हुई और वहाँ से मैं सुबह निकल कर यहाँ पहुँची हूँ और जिस तरीके से लगातार कल फोन में चर्चा हो रही थी, वीडियो कॉल पर परिवारजनों से बात हो रही थी, तो मन बहुत व्यथित हो था इनको देख करके जिस तरीके से यहाँ हर परिवार में हर घर में जिस तरीके से मातम का माहौल था। दुख तो है निश्चित ही, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में हम सब जो जनता पार्टी चाहे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं या मेरी जो संस्था की जो टीम है, मैं स्वयं भी इनके साथ हर घड़ी प्रयास यही है कि दुख को कैसे इनके कम किया जाए, इसी पर हम लोग ज़्यादा भी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुकदूर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। दुर्ग जिले के नंदनी थाना अंतर्गत ग्राम अहेरी में बने भिलाई इस्पात संयंत्र के हवाई अड्डे के भीतर झाड़ियों में भीषण आग लग गई थी। आगजनी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी होने के बाद भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। नंदनी थाना के प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि नंदनी एयरपोर्ट के अंदर बड़े क्षेत्र में सूखी झाड़ियों में आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। दुर्ग जिला के नंदनी थाना अंतर्गत नंदनी एरोड्रम जो बीएसपी के अंतर्गत आता है, लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है एरोड्रम का एरिया, इसमें आग लग गई थी जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी आग नियंत्रण में। गौरतलब है कि नंदनी एयरपोर्ट के अंदर हैंगर में एक चार्टर प्लेन रखी गई है, लेकिन सही समय पर आग पर काबू पा लेने से चार्टर प्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया है और कार्रवाई करते हुए काफी संख्या में अवैध प्लॉटिंग को हटाया है। जिला कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन पर जांजगीर, बलौदा और चांपा क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने जिले के अन्य क्षेत्रों में भी अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर एसपी वैद ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग की शिकायत जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी, शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें कि लगभग जांजगीर तहसील में ही 5-4 एकड़ जमीन को रिक्त किया गया है। इस प्रकार जहां जहां पर अवैध प्लॉटिंग है, अवैध प्लॉटिंग के संबंध में भी जो है सभी नगरीय निकाय में कार्रवाई की गई है। पुनः आदेशित उन लोगों को किया गया है कि नगरपालिका अधिनियम में, इस पर नगरपालिका अधिनियम या फिर पंचायत अधिनियम में जिसके के अधिकार SDM और CMO को है, 3 प्रकार के उसमें या तो अधिकतम जुर्माना लगाने के आदेश किए जा सकते हैं या फिर वो जमीन को राजसात करने के भी आदेश किया जा सकते हैं या स्पष्ट रूप से जो है जेल के भेजने के प्रावधान है। तो कलेक्टर सर के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार का अवैध प्लॉटिंग या अतिक्रमण नए खासकर न हो, उसका सख्ती से पालन करेंगे। दरअसल प्रदेश के सभी बड़े शहरों में अवैध कब्जे की शिकायत लगातार मिल रही है, जिस पर हो रही कार्रवाई के बाद जमीन की अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बस्तर ने 16 पदक हासिल किए हैं। जिले की टीम ने पहली बार राज्य स्तरीय स्पर्धा में भाग लिया। इसके बावजूद भी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 6 रजत के साथ 5 कांस्य पदक हासिल किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर उनकी सराहना की है। उन्होंने खिलाड़ियों को अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अच्छे मार्गदर्शन में इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। इन्होंने गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर मेडल के लिए और सभी बच्चों ने कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल की, तो हम जिला पुलिस की तरफ से इनको बहुत बधाई देते हैं और आगे के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। और इसी तरीके से हम अंचल के सारे बच्चों से अपील करते हैं कि जो भी किक बॉक्सिंग या अन्य खेलों में भी रुचि रखते हैं, उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा काफी सारे आयोजन किए जाते हैं, वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और बस्तर का नाम, पूरे क्षेत्र का नाम राज्य स्तर पे ही नहीं और नेशनल देश स्तर पे भी बस्तर का नाम। उल्लेखनीय है कि रायपुर के निरंजन धर्मशाला में हुई इस प्रतियोगिता में 16 जिलों के 200 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। मौसम विभाग ने शनिवार तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
मौसम विभाग के अनुसार देश के दक्षिणी भाग में शुक्रवार तक भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। इस तरह छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर और दक्षिण इलाके में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी चेतावनी दी गई है। इधर बालोद और कांकेर जिले, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और कोयलीबेड़ा क्षेत्र में तूफान ने जोरदार तबाही मचाई। इससे दर्जन भर गांवों में ब्लैक आउट की स्थिति बन गई है। यही हालात बालोद जिले में भी रहे। लोग बिजली जाने के कारण परेशान रहे। कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए थे, जिससे वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने हटाकर लोगों को जाम से राहत दिलाई है। अब कुछ खबरें जिलों से। गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालकों की बैठक लेकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 16 जून से शाला प्रवेश शुरू हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% सीटों में गरीब बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना है। उन्होंने पिछले 5 साल में ड्रॉप आउट हुए बच्चों की जानकारी भी मांगी है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में स्कूली बच्चों और खिलाड़ियों के कौशल विकास के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से समर कैंप तथा खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में कुशल प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को रचनात्मक, कलात्मक एवं विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावे के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए 20 मई से 10 जून तक प्रातः 7 से 9:30 बजे तक समर कैंप का आयोजन किया गया है। बालोद जिले के गुरूर वन परिक्षेत्र में एक बार फिर हाथियों ने दस्तक दी है। इसे लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन विभाग की टीम द्वारा दर्जन भर गांवों में अलग अलग दिन के हिसाब से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ग्रामीणों को रात के समय अकेले जंगल में न जाने की भी सलाह दी गई है। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से क्षेत्र में एक हाथी सक्रिय है। SDO डिम्पी सक्ती जिले के पेंड्री गांव में एक युवक की लाश संदिग्ध हालत में बरामद की गई है। बताया गया है कि दीपक चौहान नाम का युवक 21 मई की शाम गांव के बड़ा तालाब की ओर गया था, जहां पर आज सुबह उसकी लाश बरामद की गई। मृतक के शव के पास से पेड़ की टूटी शाखा पड़ी हुई है तथा मृतक के हाथ और चेहरे में चोट के निशान है। हसौद पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। निर्वाचन आयोग ने भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष को दिए आचार संहिता के पालन करने के निर्देश। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों के 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। भारत यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंचा। और राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बस्तर ने जीते 16 पदक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।